हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा कि हम किस सब्जेक्ट के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम जानते हैं 7th to 10th जेपीएससी का एग्जाम 12 सितंबर को होना लगभग तय हो चुका है। आप 12 सितंबर को ही मानकर चलिए कि एग्जाम होना ही होना है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और डेली आज हम जिस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज को डेली केवल आप ध्यान से सुन लीजिए। हम गारंटी लेते हैं आपका झारखंड से रिलेटेड टेंशन खत्म हो जाएगा। जेपीएससी के पीटी में झारखंड जीके से पेपर 1 में 10 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन यानी कि पूरा क्वेश्चन झारखंड से ही होता है, तो आपको झारखंड का ध्यान देना होगा। और इस सीरीज में हम मनीष रंजन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ को कंप्लीट कवर करेंगे, वो भी 20 दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आज है हमारा डे 1 और आज हम करेंगे झारखंड के इतिहास को पूरा एक वीडियो में कवर। तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो सके और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखते हैं झारखंड का इतिहास और आज से ये डे का शुरुआत हुआ है। आप पूरे 20 दिनों में मैं इस पूरे किताब को कवर करा दूंगा, आप केवल सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? तो इसका सही जवाब है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है। झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? तो झारखंड के हजारीबाग में इसको गुफाएं स्थित है। देहोंगी पुरापाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? सही जवाब है हजारीबाग। निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? सही जवाब इसको। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? ठीक है, तो रामगढ़ जिले में कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल है? तो कुसुमगढ़। ठीक है, आपको याद रखना है। वहीं पर पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो बजना पलामू में ये पुरापाषाणकालीन स्थल बजना पलामू में है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि गढ़वा करसो रामगढ़ झाबर हजारीबाग मांडू ये सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो ये है भवनाथपुर। ठीक है, भवनाथपुर प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? सही जवाब है भैंसा। ठीक है, सही जवाब है भैंसा। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है दूधपानी। ठीक है, दूधपानी से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। दूधपानी नौपाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना होगा, दूधपानी नौपाषाणकालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है। आपको याद रखना है दूधपानी हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो डुमडुमा पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं डुमडुमा से। मुगलकालीन कुंपा का किला कहां स्थित है? मुगलकालीन कुंपा का किला चतरा में स्थित है। किस नौपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? सही जवाब है रारू नदी तट। ठीक है, रारू नदी तट पर पत्थर से निर्मित चाकू मिले हैं। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। याद रखना है चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? याद रखना है डालमी से। चलिए देखते हैं आगे, बुद्धपुर नौपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बुद्धपुर नौपाषाणकालीन स्थल धनबाद में स्थित है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो ये है पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। चलिए हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत में, 18 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर को खुखरा कहा गया है। ठीक है, महाभारत के
दिग विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। याद रखना है, महाभारत के दिग विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। निम्न में किसे तारीख ए फिरोजशाही की रचना की, यानी कि निम्न में से किसने तारीख ए फिरोजशाही, याद रखना है शम्स ए सिराज अफीक। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो ये है हमारे कबीरदास, ठीक है, कबीरदास। द निरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? याद रखना है, द निरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोरमैन की पुस्तक है। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? सही जवाब है D.N. मजुमदार, ठीक है, D.N. मजुमदार की पुस्तक से चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजातियों के बारे में झारखंड के आगमन, झारखंड में आगमन और संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, याद रखना है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन की पुस्तक है, ठीक है, डाल्टन की पुस्तक है। वहीं पर नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? सही जवाब है एल टिकेल। नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार हैं एल टिकेल, ठीक है। हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन 1991 में कराया गया था। वहीं पर आगे देखते हैं, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो ये सही जवाब है इसको, और इसको कहां पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने इसमें कर दिया है। निम्न में कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो दरगाम एक पुरापाषाणकालीन स्थल है जो कि चाईबासा में स्थित है। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं, कौन से स्थल से मिले हैं? तो बुरजू, कौन से स्थल से मिले हैं? बुरजू। दरगामा गांव ताम्र पाषाणकालीन स्थान है। किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो यह है बसिया। कौन से ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो यह है बसिया। अगर आपको ताम्र पाषाणकाल, नवपाषाणकाल, पुरापाषाणकाल, तो जितने भी ये, तो इतिहास आपको इसके लिए पूरा पढ़ना होगा। अगर आपको डिटेल में इतिहास पढ़ना है, पूरा डिटेल में इतिहास पढ़ना है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो डाल दिया गया है, और भी वीडियो डाले जाएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी आ चुका है और उसके सारे कंटेंट अब हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाए जाएंगे। आप केवल ध्यान से इसको सुन लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से अब देखेंगे प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो ये है हमारे बिरहोर, ठीक है, बिरहोर जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। वहीं पर देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? भवन निर्माण कला में निपुण थे असुर जाति के लोग। आपको याद रखना है, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिलता है? दक्षिणी कोयल नदी से। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है मुंडा, ठीक है, मुंडा जनजाति के लोग, ऐसा माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो ये है सुतिया पाहन। मदरा मुंडा ने इसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन है? तो ये है हमारे उराव जनजाति, दक्षिण भारत से झारखंड में आकर निवास करने वाली जनजाति है। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो किस झारखंडी भाषा की? कुड़ुख, ठीक है, कुड़ुख भाषा जो है कन्नड़ से समानता इसमें मिलती है।
किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था, किस काल में? तो ये है ब्रिटिश काल, ठीक है, ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था। उराव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो किस जनजाति ने? मुंडा जनजाति ने इसे मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। अब देखेंगे झारखंड का वैदिक युग से क्या संबंध रहा है और झारखंड का वैदिक युग, ठीक है। तो देखिए अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश, तो अमरकोश की पुस्तक कौन, अमरकोश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यह भी आपको याद रखना है। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो यह है श्रीवास, ठीक है, श्रीवास। तो चाईबासा का नाम श्रीवास किस पुस्तक में प्रयोग किया गया है? अमरकोश में। किसने लिखा? अमरनाथ ने। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो ये जनजाति है सबर। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में सबर जनजाति निवास करती थी। अब हम देखेंगे निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो ये है हमारे डॉक्टर वीरोत्तम, ठीक है, डॉक्टर वीरोत्तम। अब आगे देखते हैं झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, ये पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर वीरोत्तम के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वीरोत्तम के द्वारा। और अभी हमने देखा था कि किसने बताया गौतम बुद्ध को झारखंड की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड किसने बताई है? डॉक्टर वीरोत्तम। निम्न में से किसने पाकबिरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? पाकबिरा में बौद्ध खंडहर की खोज किसने की? तो आरसी बोकन ने। किसने? आरसी बोकन। खूटी जिला के बेलवादरा, ठीक है, खूटी जिला के बेलवादरा ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूटी जिले के बेलवादरा ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो राजमहल क्षेत्र के इसमें स्थित कांकजोल, ठीक है, यहां से बुद्ध मूर्तियों की खोज कनिंघम के द्वारा किया गया है, ठीक है, कनिंघम के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये है कुषाण, ठीक है, कुषाण राजवंश, कुषाण वंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना ही करना है, तो आप केवल ध्यान से इसको सुनते चलिए। यह है सातवीं सदी में, ठीक है, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? सातवीं सदी की। अब देखेंगे झारखंड का जैन धर्म से कंटेक्ट। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? किस धर्म के? तो आप, ये जैन धर्म है तो जैन धर्म। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? यह है जैन धर्म। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो आप बताएंगे पवनपुर, रामपुर, लक्ष्मणपुर, हनुमानपुर। सही जवाब है पवनपुर। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका सही जवाब है आचारांग सूत्र से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। किससे? आचारांग सूत्र से। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकर को? तो 20 तीर्थंकर को पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और पारसनाथ कहां है? गिरिडीह में। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? याद रखना है पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में है? गिरिडीह में, ठीक है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जंगल लाइफ इन इंडिया के पुस्तक के लेखक वी वॉल है। पुस्तक के लेखक। अब देखेंगे मगध साम्राज्य से कंटेक्ट झारखंड का। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट। झारखंड का पहाड़ी
पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? फिर से एक बार बोलते हैं, झारखंड का पहाड़ी पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? बहुत इंपॉर्टेंट है 59 का यह है मगध। ठीक है, मगध। अब देखते हैं मगध का विस्तार। मगध का विस्तार गंगा और सोन नदी के बीच था। मगध का विस्तार गंगा नदी और सोन नदी के बीच है। ठीक है, गंगा नदी और सोन नदी के बीच मगध का विस्तार है, याद रखना है। अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य। किस साहित्यकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस साहित्यकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था? तो यह है आर राम शास्त्री। आर राम शास्त्री ने बताया कि झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। वहीं पर देखते हैं अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख है। ठीक है, अब देखते हैं अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो यह है आटव। ठीक है, आटव। अशोक के शिलालेख से किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? आटव। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह है अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो आप जानते हैं चाणक्य जी के द्वारा। अब देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए अटविका, ठीक है, याद रखना है अटविका, अटविका को नियुक्त किया गया था। अटविका एक अधिकारी था जो वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो यह है इंद्रवाहक नदी। इंद्रवाहक नदी से, इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा अर्थशास्त्र में कही गई है। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध, बताइए क्या था? तो मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, यह आपको याद रखना है, ताम्रलिप्ति। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? दक्षिणापथ। ठीक है, दक्षिणापथ मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। अब देखेंगे आगे झारखंड का उत्तर मौर्य काल। निम्न में से किस क्षेत्र में से इंडोनेशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडोनेशियन सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये है चाईबासा से। इंडोनेशियन सिक्के यहां से प्राप्त हुए चाईबासा से। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था झारखंड में, झारखंड में इनके द्वारा विजय अभियान चलाया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा झारखंड में विजय अभियान चलाया गया था। झारखंड में विजय अभियान समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था, याद रखना है। अब देखिए निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था? प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश का जो लेख है, जो प्रयोग किया गया था, वो किया गया था हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा, हरिसेन के द्वारा। अब देखिए वेनसांग के अनुसार, वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था? हेनसांग के अनुसार, ये है हेनसांग के अनुसार, शशांक ने। शशांक एक बंगाली शासक था, ठीक है, और इसने इसने पूरे झारखंड पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, ऐसा किसने कहा? तो हेनसांग ने कहा था। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो निम्न में से सातवाहन राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। अब देखते हैं आगे रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो रक्सैल राजवंश की स्थापना हुई थी पलामू, याद रखना है रक्सैल राजवंश, रक्सैल राजवंश पलामू, ठीक है। अब देखते हैं क्योंझर राजवंश, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? सिंहभूम। रक्सैल, पलामू, क्योंझर, सिंहभूम। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? फिर से आपको बता दें कि छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश, ठीक है, नागवंश। तो नागवंश, छोटा नागपुर खास, क्योंझर, क्योंझर सिंहभूम, ठीक है, क्योंझर राजवंश सिंहभूम और रक्सैल राजवंश पलामू। अब देखते हैं सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? तो मुंडा राज्य की स्थापना रीता मुंडा के नेतृत्व में हुई थी, आपको इसे भी याद रखना है। सूतिया नागखंड, सूतिया नागखंड राज्य
कितने गढ़ों में विभक्त था? सुत या नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो ये था 7 गढ़ों में, ठीक है, याद रखना है। सुत या नागखंड कितने गढ़ों में विभक्त था? तो ये था 7। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों के बारे में आपको पता होने चाहिए। हम आपको ये करवा रहे हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है झारखंड का, अगर आपको झारखंड का सब्जेक्टिव बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं झारखंड का सब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अभी 7th to 10th जेपीएससी का एग्जाम डेट आ गया है, तो आप इसको देखकर इसे पूरा ध्यान से सुनकर दिमाग में उतार ले। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो ये आपको इसे याद रखना है, पलामूगढ़ मतलब कि हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, ये सब सुतिया नागखंड का गढ़ था और पलामूगढ़ सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था। तो इसे आपको याद रखना है, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? ठीक है, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो ये था सुरगुगढ़, ठीक है, सुरगुगढ़। तो आपको 4 गढ़ पता हो गया, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, ये सब हो गए। अब देखते हैं सुरगुगढ़ सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। सूरजगढ़, सोनारगढ़, रामगढ़ क्या सुतिया नागखंड के गढ़ थे? नहीं। सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो ये था 21। सुतिया पाहन के द्वारा जो उसके सुतिया नागखंड गढ़ थे उसको 7 गढ़ों में विभक्त किया था, और उसको कितने परगनों में विभक्त किया था? तो 21। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो ये है हमारे बुद्धपुर। बुद्धपुर निम्न में से सुतिया नागखंड का बुद्धपुर परगना नहीं था, और सुतिया नागखंड के कितने परगने थे? 21। अब देखते हैं नागवंश। फनी मुकुट रॉय, ठीक है, फनी मुकुट रॉय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? नागवंश की। तो नागवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फनी मुकुट रॉय के द्वारा। फनी मुकुट रॉय के द्वारा आपको इसे याद रखना है। और नागवंश का संबंध किससे है? तो छोटा नागपुर खास से। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? गढ़वा पर। गढ़वा पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था। नागवंशी स्थापना के समय, नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस था। लॉर्ड कार्नवालिस नागवंश की स्थापना के समय। नागवंशी शासक फनी मुकुट रॉय की राजधानी कहां थी? तो ये थी सुतियांबे। सुतियांबे। अब देखिए नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो नागवंशी शासकों के द्वारा अपने परगनों को 66 परगनों में विभाजित किया गया था। नागवंशी शासकों ने 66, और अभी हमने देखा था सुतिया नागखंड को 21 परगनों में विभक्त किया गया था। अब देखते हैं निम्न में से किसने नाग वंशावली तैयार की थी? तो नाग वंशावली तैयार किया गया था बेनीराम मेहता के द्वारा। नाग वंशावली तैयार किया गया था बेनीराम मेहता के द्वारा। कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, वहां लेकर गया था? तो किस नागवंशी शासक के द्वारा ऐसा किया गया था? तो प्रताप रॉय। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फनी मुकुट रॉय के द्वारा अपनी राजधानी सुतियांबे रखा गया था, लेकिन प्रताप रॉय के द्वारा सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया कर दिया गया। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नागवंशी शासकों के द्वारा कर्ण की उपाधि धारण की गई थी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो भीमकर्ण। और हम जानते हैं कर्ण की उपाधि धारण नागवंशी शासकों के द्वारा की गई थी, और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के डर से। अब देखते हैं रक्सैल वंश, और रक्सैल वंश का संबंध किस क्षेत्र से है आपको इसे बताना है। निम्न में कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो निम्न में से रक्सैल वंश राजपूत वंश था। ठीक है, रक्सैल वंश राजपूत वंश था। वहीं पर देखते हैं पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? पलामू में पहुंचने पर 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? कुंडेलवा में रक्सैल वंश का शासन था। कुंडेलवा में रक्सैल वंश का शासन था। अब हम देखेंगे चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार वंश पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पलामू के जपला क्षेत्र में चेरो खरवार वंश, यानी कि पलामू के जपला क्षेत्र से चेरो खरवार वंश का संबंध है।
चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रताप धवल खरवार, तिलैया, तिलैथ, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चेरो खरवार, चेरो खरवार, तिलैथ, ताराचंडी, फुलवारी शिलालेख। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो दक्षिण भारत से गोंड जनजाति ने उराव जनजाति के साथ पर यहां पर प्रवेश किया था। अब देखेंगे मान वंश, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश का द्वारा शासन किया गया था? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश के द्वारा शासन किया गया था? तो यह है सही जवाब होगा मान वंश के द्वारा हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर शासन किया गया था। वहीं पर देखते हैं मान वंश की जानकारी का स्रोत, मान वंश की जानकारी का स्रोत स्रोत गोविंदपुर जो कि धनबाद में स्थित है का शिलालेख था जो कवि गंगाधर द्वारा लिखित था। ठीक है, मान वंश का जानकारी का स्रोत गोविंदपुर का शिलालेख था जो गंगाधर के द्वारा लिखा गया था, गंगाधर के द्वारा मानभूम मान वंश का। ठीक है, किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो यह है सही जवाब है सबर जनजाति के द्वारा, सबर जनजाति के द्वारा पंचेत क्षेत्र में पलायन किया गया था। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? रामगढ़ की। किस राज्य की? रामगढ़ की। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी थे, नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़, रामगढ़ जिसका स्थापना किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा और ये नागवंशी राजाओं के सामंत थे। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहां थी? रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया थी, रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया थी। अब हम लोग देखेंगे खड़गडीहा राज्य के बारे में, खड़गडीहा। तो हजारीबाग और गया के बीच, हजारीबाग और गया के बीच आप पूरा झारखंड को, झारखंड के बारे में आप पूरा झारखंड को अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि झारखंड का सब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए पूरे डिटेल में मैं लेकर आऊंगा। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये है खड़गडीहा। और पूछा जाए इससे इस तरह से भी पूछा जा सकता है खड़गडीहा का स्थापना, खड़गडीहा राज्य का स्थापना किस सदी में हुआ? 15वीं सदी में। किस दो जगहों के बीच में हुआ? हजारीबाग और गया के बीच में। अब चलिए देखते हैं आगे, खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो खड़गडीहा राज्य का संस्थापक माना जाता है हंसराज देव को। और खड़गडीहा राज्य किन दो जगहों के बीच में है? हजारीबाग और गया। और ये किस सदी में स्थापना हुआ था इसका? 15वीं सदी में। अब देखते हैं पंचेत राज्य के बारे में, पंचेत राज्य का संबंध, पंचेत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था? तो पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र में स्थापित था, पंचेत राज्य मानभूम। अब यहां से देखते हैं निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? अमित लाल पंचेत राज्य से इसका संबंध था। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? कपिला गाय की पूछ, कपिला गाय की पूछ। हम देखेंगे सिंह वंश को। ठीक है, तो देखिए निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो सिंहभूम पर। कहां पर? सिंहभूम पर। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? पोरहाट के राजाओं की सिंह भूमि जो भूमि है वो किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था किसके द्वारा? तो ये हुआ था W.W. Hunter के द्वारा, W.W. Hunter। सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज, याद रखना है सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज, लिखा है टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह, टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। अब देखते हैं पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे? पोरहाट राज्य के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह पोरहाट राज्य के संस्थापक। किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? सही जवाब है अच्युत सिंह। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइया विद्रोह शुरू हुआ था? तो
ये सही जवाब है जगन्नाथ सिंह। निम्न में से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता था? सही जवाब है ढाल वंश। ढाल वंश नरबलि प्रथा को समर्थक माना जाता था। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? तो ये है सही जवाब है बैंगलर के द्वारा। बैंगलर के अनुसार मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम देखते हैं झारखंड का दिल्ली सल्तनत के समय में क्या स्थिति रहा है। तो अब देखेंगे इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? सही जवाब है हरिकर्ण। हरिकर्ण और कर्ण किसकी उपाधि किस शासक के द्वारा की ली गई थी? नागवंश के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी, यानी कि टैक्स का वसूल किया था 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण करके मलिक छज्जू के द्वारा। अब यहां से आपको इतनी जानकारी हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर, तुगलक वंश ने। निम्न में से किसने सतगांव को अपनी राजधानी बनाया था? तो सतगांव को राजधानी बनाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। कपिलेंद्र गंगवंश का मंत्री था और इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। कोरांबे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब है रक्सैल वंश और नागवंश के बीच भीषण युद्ध हुआ था कोरांबे में। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है कोरांबे को, ठीक है, झारखंड का हल्दी घाटी। और यहां पर भीषण युद्ध हुआ था रक्सैल वंश और नागवंश के बीच। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? चैतन्य चरितामृत बुक भी याद रखना है। चरितामृत के रचनाकार कृष्णदास थे। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? तो ये मिलता है कोरांबे का। कोरांबे में जो युद्ध हुआ था रक्सैल वंश और नागवंश के बीच, इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। और चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन है? कृष्णदास। झारखंड मुगल वंश से क्या संबंध रहा है? मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो मुगल वंश के समय पलामू में रक्सैल वंश का शासन था। अब देखते हैं द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? तो यह है वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? भगवत रॉय को। शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदनी रॉय। टकरोई की लड़ाई अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनैद कर्रानी के बीच हुआ था। टकरोई की लड़ाई हुई थी। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? तो मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक था मधुकर शाह। जब मधुकर शाह नागवंश पर शासन कर रहे थे उस समय मुगलों ने नागवंश पर आक्रमण किया था, इतना आपको याद रखना है। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? तो रंजीत सिंह मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाला राजा था। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो यह है मान सिंह के नेतृत्व में चेरो राज्य पर नियंत्रण करने के लिए नेतृत्व सेना जो भेजी थी किसके नेतृत्व में भेजी थी? वो भेजी थी मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह ने कहां एक किले का निर्माण करवाया था? तो मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। वहीं पर अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? तो अकबर ने किसके नेतृत्व में? टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में
शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? मुगल वंश का। मुगल वंश का ध्यान शंख नदी में जो हीरे पाए जाते थे उसकी ओर ध्यान खींचने वाला मुगल वंश का ध्यान जो शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे थे उसलिए खींचा था। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह है दुर्जन साल। ठीक है, मुगलों का अधीनता स्वीकार करने से मना करने वाला राजा था दुर्जन साल। और अकबर की मृत्यु के बाद शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण, ठीक है, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किया है। ठीक है, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किया है। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने? तो ये है हमारे जहांगीर ने। जहांगीर ने दुर्जन साल को किसकी उपाधि दी थी? शाह की उपाधि। आपको इसे याद रखना है। दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? दुर्जन साल ने 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। अब हम देखते हैं किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? तो ये है शाहबल रॉय। शाहबल रॉय जो है सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटने वाला चेरो राजा था शाहबल रॉय। अब देखते हैं शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो शाहजहां ने विद्रोह कर किस समय राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ये है 1622 में। 1622 ईस्वी में शाहजहां ने, ठीक है, राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? 1000 मनसब प्रदान किया था प्रताप रॉय को। प्रताप रॉय को। अब हम देखते हैं औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो ये है हमारे मनकली खां। मनकली खां। मनकली खां को औरंगजेब ने पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? कौन से चेरो शासक था जिसके शासनकाल में कृषि का स्वर्ण युग कहा गया? तो ये है हमारे मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो मेदिनी रॉय के बाद उसका उत्तराधिकारी रुद्र रॉय बना था। रुद्र रॉय। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? रघुनाथ शाह। और चुटिया को राजधानी बनाने वाला, ठीक है, चुटिया को राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था? ठीक है, इसको आपको बताना है। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? तो ये है पलामू किला। नागपुरी दरवाजा पलामू किले में स्थित है। मुगलों ने कहां एक शाही टकसाल स्थापित की थी? तो मुगलों ने शाही टकसाल स्थापित किया था राजमहल में। कहां? राजमहल में। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? किस शासक ने रामगढ़ की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? तो ये है हमारे दलेल सिंह। कौन है? दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में मुगल पर आक्रमण किया गया था? ठीक है, सॉरी, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 में पलामू पर आक्रमण किया गया था? तो ये है हमारे शाइस्ता खां। ठीक है, एक ऐसे मुगल सेनापति थे जो कि 1641 ईस्वी में पलामू पर इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो ये है हमारे यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहां आक्रमण किया था? तो 1734 ईस्वी में चतरा पर आक्रमण किया गया था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां के द्वारा 1734 ईस्वी में चतरा पर आक्रमण किया गया था। याद रखना है, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? यानी कि मराठों का भी आक्रमण झारखंड पर हुआ था, तो उस समय किस नागवंशी शासक, कौन सा नागवंशी शासक था? तो ये थे हमारे उदय शाह। कौन थे? उदय शाह। ठीक है, उदय शाह के शासन काल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। इस तरह से आप याद रखेंगे, किस नागवंशी शासक के शासन काल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? तो अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश दर्पनाथ शाह
दर्पनाथ शाह के शासनकाल में हुआ था। याद रखना है, दर्पनाथ शाह के शासनकाल में, जो कि एक नागवंशी शासक था, और इसके शासनकाल में झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? हिदायत अली खान ने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। हिदायत अली खान ने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व करने वाला था मीर हबीब। मीर हबीब किस नागवंशी शासकों ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो ये है दीपनाथ शाह। दीपनाथ शाह एक ऐसे शासक थे, नागवंशी शासक है, दीपनाथ शाह एक नागवंशी शासक थे, और मराठों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, जो आतंक फैलाया गया था झारखंड में, उसके कारण, उससे मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लेने वाले थे दीपनाथ शाह। बंगाल के नायब नवाब, ठीक है, बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी 1712 ईस्वी में कराई थी। छह राज्य की राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी थी, आपको याद रखना है, छह राज्य की राजधानी कहां थी? तो छह राज्य की राजधानी थी बीघा, ठीक है, बीघा, आपको इसे याद रखना है। 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? 1620 ईस्वी में हेमंत सिंह ने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखना है, हेमंत सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी, स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 ईस्वी में की गई थी। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अब हम देखेंगे झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन, ठीक है, सन 1767 में हुआ था। याद रखना है, 1767 ईस्वी में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है फर्ग्यूसन, ठीक है, फर्ग्यूसन को कंपनी ने भेजा था सेना को, मतलब सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है, नीमू ढाल। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को हटा दिया और नीमू ढाल को उसके जगह पर शासक नियुक्त किया। अंग्रेज अधिकारी फॉर्बिस एवं पोलहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? ठीक है, अंग्रेज अधिकारी फोरबिस और पोलहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1773 में। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फोरबिस और पोलहाट के राजा के मध्य संधि हुई थी 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर खास पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा? तो ये जैकब को, ठीक है। 1773 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर खास पलामू तथा रामगढ़ को एक बना दिया और उसको एक जिला बनाकर उसका व्यवस्था का भार जैकब के ऊपर डाल दिया। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया? तो इसका सही जवाब है 1899 में। कब? 1899 ईस्वी में कंपनी ने सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया। किसने 1763 में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है मेजर एडम्स ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया। मुगल बादशाह शाह आलम ने 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। अब हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तमाड़ विद्रोह उराव जनजाति से संबंधित था। याद रखना है, उराव जनजाति से संबंधित था तमाड़ विद्रोह। और ये विद्रोह कब शुरू हुआ?
तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी चेरो विद्रोह। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? सन 1800 ईस्वी में अगर आपसे पूछा जाए कि चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ, तो सन 1800 और किसके विरुद्ध शुरू हुआ ये पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था शुरू विद्रोह राजा के खिलाफ। ठीक है, चेरो विद्रोह राजा के खिलाफ हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल रॉय को राजा बनाया था। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? जयनाथ सिंह को। ठीक है, जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था कंपनी ने। अब देखते हैं निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो थे भूषण सिंह। भूषण सिंह किसके विरुद्ध हुआ था? राजा के विरुद्ध। और गोपाल राय को गोपाल राय को अपदस्थ करके किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया गया था? जयनाथ सिंह को। हो विद्रोह सन 1821-22 में, सन 1821-22 में छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1821-22 में। 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह और 1789 में तमाड़ विद्रोह, यहां तक आपने देख लिया। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? ठीक है, हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान रफसेज के पास थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था प्रारंभ दीकू जमींदार अंग्रेज या फिर ए और बी दोनों, तो दीकू और जमींदार दोनों के खिलाफ को विद्रोह शुरू हुआ था, याद रखना है इसे। अब देखते हैं कोल विद्रोह, कोल एवं, आपको इसे भी याद रखना है, कोल विद्रोह कोल एवं मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह कोल और मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। अगर आपसे पूछा जाए कि कोल विद्रोह, ठीक है, किस किस जनजाति का संयुक्त विद्रोह था, तो कोल और मुंडा दोनों का। अब हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो बुद्ध भगत कर रहे थे, सिंह रॉय कर रहे थे, सूर्य मुंडा कर रहे थे, जतरा भगत नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो जतरा भगत। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? तो इसको याद रखना है, कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना गई थी कोल विद्रोह को दबाने। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? तो ये कानून था रेगुलेशन 13। ठीक है, रेगुलेशन 13 जो है कोल विद्रोह के, कोल विद्रोह हुआ कब हुआ? तो कोल विद्रोह के जब हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप जो कानून कंपनी के द्वारा बनाया गया वो था रेगुलेशन 13। अब देखिए कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। उसका प्रथम गवर्नर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था? इसको आपको बताना है कि उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो विल्किंसन। अभी हमने देखा था कि कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन विल्किंसन को भेजा गया था और कैप्टन विल्किंसन को ही प्रथम गवर्नर घोषित कर दिया जहां पर कोल विद्रोह हुआ था उसका। कोल विद्रोह कब हुआ? तो इसको कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ 1831 से 32। ठीक है, 1821 से 22 में कौन सा विद्रोह हुआ, 1800 ईस्वी में कौन सा हुआ, 1789 में कौन सा विद्रोह हुआ, इसके बारे में हमने देखा। अब हमने देख दब हम देख रहे हैं कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ? और दीकू और जमींदार दोनों के विरुद्ध ये कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह मुंडा और कोल जनजाति दोनों का संयुक्त विद्रोह था। अब हम लोग देखते हैं भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने कहा था गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहां के राजा ने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजाओं ने किया था। अब हम देखते हैं भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? तो भूमिज विद्रोह जनजातीय जमींदारों, जनजातीय लोगों, दिक्कों या फिर ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों यानी कि जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोगों दोनों का संयुक्त विद्रोह था भूमिज विद्रोह। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो कंपनी ने टीमर को, याद रखना है, भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए
टीमर को भेजा था कंपनी ने भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए। भूमिज विद्रोह में कहां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? भूमिज विद्रोह में कहां के? तो खरसावा के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी भूमिज विद्रोह में। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? तो ये जिला है मानभूम। मानभूम भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस जिले का गठन हुआ। अब देखते हैं संथाल विद्रोह। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा गया था? झारखंड के किस क्षेत्र को दामिन ए कोह? तो संथाल परगना को, झारखंड के संथाल परगना को दामिन ए कोह कहकर पुकारा गया। संथाल समुदाय बंधवा मजदूर को क्या कहते हैं? संथाल समुदाय बंधवा मजदूर को कमिया कहते हैं, कमिया। ठीक है, सिद्धू कानू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। तो ये है संथालों का। ठीक है, निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, संथाल विद्रोह का, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन, किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कानू ने, और इसका नारा हमने देख लिया। सिद्धू एवं कानू को फांसी कहां दी गई थी? तो सिद्धू कानू को फांसी बरहेट में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, साहेबगंज जिला के बरहेट में सिद्धू कानू को फांसी दी गई। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश एसली एडेन को नियुक्त किया गया था, एसली एडेन। अब देखते हैं प्रतिवर्ष हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस, हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 30 जून को प्रतिवर्ष हुल एवं अथवा संथाल विप्लव दिवस। तो हुल दिवस और संथाल विप्लव दिवस एक ही है। अब हम देखते हैं सरदारी आंदोलन। झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन 1859 से लेकर 1881 ईस्वी तक चला, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में, और इसका नाम है सरदारी आंदोलन। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? किसने अपनी पुस्तक में द मुंडाज, एम सी रॉय। तो अगर इससे आपसे ऐसे आपसे पूछ सकता है द मुंडाज किसकी बुक है? एम सी रॉय की बुक द मुंडाज में किस आंदोलन का उल्लेख था? सरदारी आंदोलन का। सरदारी आंदोलन कब से कब तक चला? 1859 से 1881। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उल्लेख नहीं था? तो सरदारी आंदोलन का उल्लेख क्या नहीं था इसे हमें देखना है। जाति प्रथा की समाप्ति, बेगारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारों को भगाना, भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। तो इसका सही जवाब है बेगारी प्रथा की समाप्ति। अब हम देखेंगे खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन को में मदिरा का विरोध हुआ था? तो निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? खरवार आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? खरवार आंदोलन का दूसरा नाम है सफा होर आंदोलन। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो खरवार आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? तो खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को बाबजिया कहा गया था, बाबजिया। अब हम देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू हुआ 1895 ईस्वी में। याद रखना है 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा आंदोलन स्टार्ट हुआ। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार में मान्यता मिली है, और हम कहते भी हैं भगवान बिरसा मुंडा। अब हम देखते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन साहूकारों,
जमींदारों, दिकुओं, सबों के विरुद्ध बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया था। साहूकार, जमींदार और दिकुओं सबों के विरुद्ध किया गया था। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो कौन सा उद्देश्य बिरसा मुंडा आंदोलन का नहीं था? स्वतंत्र मुद्दा, दिकुओं को भगाना, राज्य की स्थापना, लगान नहीं देना। तो बताइए इसमें से कौन होगा? तो लगान नहीं देना बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, लगान नहीं देना बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य की स्थापना, दिकुओं को भगाना और स्वतंत्र मुंडा। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहां से गिरफ्तार किया था? कंपनी की सेना ने बिरसा मुंडा को रांची से गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार हमला कब हुआ था? तो इसको बताना है, दूसरी बार आंदोलन 25 दिसंबर 1897 को हुआ था। 1897 बिरसा मुंडा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1895, और दूसरी बार अंग्रेजों पर हमला जो हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1897 को। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया? बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में बनाया गया गुमला को अनुमंडल। गुमला को अनुमंडल 1908 ईस्वी में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बनाया गया? तो ये बनाया गया बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप। निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खूटकारी व्यवस्था को लागू किया गया? तो बताना है, इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन के फलस्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब हम देखते हैं टाना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में, और बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा आंदोलन से कहा जाता है कि जन्मा हुआ आंदोलन है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो टाना भगत उराव जनजाति की एक शाखा है। ठीक है, जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो जतरा भगत जो थे वो थे टाना भगत। ठीक है, जतरा भगत जो था टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। जतरा भगत, टाना भगत, तो इसे आपको याद रखना है। निम्न में से किस आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है, निम्न में से किस आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? खरवार आंदोलन, संथाल आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं सन 1857 के विद्रोह में झारखंड का क्या योगदान रहा था? तो ये है, अब हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको याद रखना है कि झारखंड के देवघर क्षेत्र के रोहिणी गांव से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम मेजर लेस्ली की हत्या की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था? रामगढ़ बटालियन का हेडक्वार्टर कहां था? तो रामगढ़ बटालियन का हेडक्वार्टर रांची था। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया था? तो ये है हजारीबाग से। हजारीबाग से नेतृत्व करने वाले कौन थे? सुरेंद्र शाह। 1857 के विद्रोह में, 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो रांची का कमिश्नर 1857 ईस्वी में था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पलामू में 1857 के नेतृत्व विद्रोह जो नेतृत्व किया था वो था नीलांबर पीतांबर। पलामू से नीलांबर पीतांबर, और अभी हमने बताया हजारीबाग से कौन थे? सुरेंद्र शाही। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से नेतृत्व किया था। और उसके बाद हम अभी बात की नीलांबर पीतांबर कहां से? पलामू से। और सुरेंद्र शाही कहां से? हजारीबाग से। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो झारखंड में मार्शल लॉ 10 अगस्त 1857 को लागू किया गया था। याद रखना है 10 अगस्त 1857 को झारखंड में मार्शल लॉ लागू किया गया था।
मार्शल लॉ कब लागू किया गया झारखंड में? 10 अगस्त 1857 को रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? तो सही जवाब है उमराव सिंह और शेख भिखारी को। उमराव सिंह और शेख भिखारी को रांची के निकट टैगोर हिल में फांसी दी गई थी। 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर के संपत्ति जब्त कर ली थी? तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी। पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो पूरे सिंहभूम में अर्जुन सिंह, जो कि अर्जुन सिंह के बारे में हमने भी बताया कि अर्जुन सिंह कहां से, सिंहभूम से नेतृत्व करता थे, और पूरे सिंहभूम पर अभी मैंने बताया कि पूरे सिंहभूम में अर्जुन सिंह थे। अब देखेंगे विविध, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? जनी शिकार प्रथा का प्रचलन कंचन रॉय ने शुरू किया था। कंचन रॉय नागवंशी शासक थे और इसके द्वारा जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पलामू राजा के द्वारा, ठीक है, मुगल फौज को पराजित कर दिया गया। तो भागवत रॉय, कौन सा, इसका सही जवाब है भागवत रॉय। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप रॉय के बीच समझौता कब हुआ था? शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप रॉय के बीच 1644 ईस्वी में, ठीक है, 1644 ईस्वी में शाहजहां और प्रताप रॉय के बीच समझौता हुआ था। 1692 में औरंगजेब और किस शासक के बीच मध्य समझौता हुआ था? तो 1692 में किस शासक के मध्य समझौता हुआ? तो ये है राम शाह और औरंगजेब के बीच, राम शाह और औरंगजेब के बीच 1692 में समझौता हुआ। चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1769 में चुआर विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है, वहीं अभी बात करते हैं 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है एसपी विटली। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को भागलपुर में 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुई थी? 1824 में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना चतरा में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है, एक मिनट, 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुई थी? तो नामकुम में। कहां पर? नामकुम में हुई थी। यहां पर नामकुम में हुई थी, ठीक है, इसे आपको करेक्ट कर लेना है। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई और कहां पर हुई? नामकुम में। वहीं हम देखते हैं कि 1836 ईस्वी में किस जिले की स्थापना हुई थी? 1836 ईस्वी में किस जिले की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है हम लोग इस रामगढ़, हजारीबाग, चतरा या फिर पलामू। तो 1836 ईस्वी में हजारीबाग का स्थापना हुआ था, हजारीबाग का स्थापना हुआ था। हम देखते हैं कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू हुआ था 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू हुआ। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ? ईसाई धर्म का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ झारखंड में, ठीक है, इससे पहले झारखंड में ईसाई धर्म नहीं था। 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया? ठीक है, तो ये है सही जवाब है छोटा नागपुर। 1859 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से, जो कि जहांगीर के काल में, ठीक है, मुगलों के कैद से छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर यहां अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब है दुर्जन शाह, ठीक है, दुर्जन शाह। अब हम लोग देखते हैं पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाला जो गोमुख राजा किस वंश से संबंधित था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है गोवंशी,
ठीक है, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा सवाल कि गोमुख किस वंश से संबंधित था, गोवंशी। पंचकूट के किले का निर्माण किसने करवाया, तो इसका किले का निर्माण गोमुख था, गोमुख ने करवाया। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है, ठीक है, तो 24 का मैदान कहा जाता है रांची के पठारी भाग को, रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में आड्रे हाउस, जो कि गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, तो झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस स्थित है, तो झारखंड के किस क्षेत्र में आड्रे हाउस स्थित है, तो है रांची में, ठीक है, किस शहर में, रांची में, और इसे गवर्नर हाउस भी कहा जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था। 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, तो 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो ये था इग्नेस बेक। अब देखिए 1941 में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ, इसका संबंध किस जनजाति से था, इसका संबंध था संथाल जनजाति से। एक बार फिर से देखते हैं, 1941 ईस्वी में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ, ओल चेमेट, और इसका जो संबंध था वो संथाल जाति से था, जनजाति से था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 में हुआ था, 1947 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन हुआ। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था, तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था जस्टिस रिचर्ड के द्वारा। निम्न में किस जनजाति के बीच लाखो बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, किस जनजाति के बीच, तो इसका सही जवाब है हो जनजाति के बीच लाखो बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, लाखो बोदरा। आदिवासी सेसियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, ये नाम आपको याद रखना है, आदिवासी सेसियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन हुआ था, ठीक है, 1952 ईस्वी में आदिवासी सेसियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ, कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय हुआ था 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है इसका गठन कब हुआ था, 1966 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, इसको बताना है आपको, हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में हुआ था, 1968 में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया, 1969 में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था, तो इसका सही जवाब है कुमा, ठीक है, कुमा, नहीं 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 कुमा नहीं कुर्मी है ना, कुर्मी। 1969 में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन हुआ, तो कुर्मी समाज द्वारा। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था, सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन हुआ था। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया, मार्क्सवादी समन्वय का गठन किया था एके रॉय, ठीक है, एके रॉय ने मार्क्सवादी समन्वय का गठन किया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ, 1973 में, किसके नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, ठीक है, संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन 1981 ईस्वी में हुआ था। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी, आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी, इसका सही जवाब है 1985। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन हुआ, आपसे पूछा यह भी जा सकता है आजसू, ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन कब हुआ, 1986 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की, याद रखना है प्रभाकर तिर्की, ठीक है। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ,
झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था 1988 में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? 1988 में किस राज्य पार्टी द्वारा? तो ये जनता पार्टी के द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, क्या आजसू के द्वारा, क्या भाजपा के द्वारा? तो नहीं, जनता पार्टी के द्वारा। 1989 में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया? झारखंड विषयक समिति, इसका गठन कब हुआ? 1989 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? तो इसके इसका जो किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्या बिहार सरकार के द्वारा, क्या आदिवासी महासभा के द्वारा, क्या आजसू के द्वारा? तो नहीं, भारत सरकार के द्वारा। झारखंड में 1991 में किस पार्टी का गठन हुआ था? झारखंड में 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। 9 जून 1995, याद रखना है डेट, 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। याद एक बार कर लेंगे, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे शिबू सोरेन जी, ठीक है, शिबू सोरेन। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 9 जून 1995 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे शिबू सोरेन जी। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातु किस जिले में है? बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातु खूटी जिले में है। उलिहातु खूटी जिले में है। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला डोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुमला में। कहां पर? गुमला में। डोईसागढ़ वर्तमान में कहां है? गुमला में। अब हम देखेंगे विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। मुंडा शासन व्यवस्था, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसको आपको, इसका सही जवाब है असुर के साथ, ठीक है, असुरों के साथ। वहीं पर आप देखते हैं मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को कहते हैं शासन, ठीक है, शासन। मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या? मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य होता है परिवार से, ठीक है, मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य होता है परिवार से। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को पढ़ा कहा जाता है, पढ़ा। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? ठीक है, तो निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? तो महत्व, क्या पांडे होता है, क्या करता होता है, क्या लाल? तो सारे होते हैं लेकिन महत्व नहीं होता, ठीक है, महत्व। मान की किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है मान की? तो आपको इसे बताना है, इसका सही जवाब है मुंडा। मुंडा मान जो है मुंडा जनजातीय समुदाय की, ठीक है, मान की शासन व्यवस्था। मान की किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो मुंडा जनजाति का। अब देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। प्रथम शताब्दी जो कि 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? तो मुंडाओं की राज्य व्यवस्था जो हस्तांतरित हुई थी वो नागवंशियों को हुई थी 64 ईस्वी में, हाँ, नागवंशियों को। अब नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूल का आदेश दिया था? तो नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूल का आदेश दिया था? तो भुईयर को। किसको? भुईयर को। अब देखते हैं 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? किस राजा को? तो ये है दुर्जन साल। और यही जो था जो कि अकबर के मौत के बाद अंग्रेजों मुगल काल का, मुगल वंशों का अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। किस शासक द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? किस शासक द्वारा, है ना, तो ये पूछा जाएगा किस शासक द्वारा? तो ये था मुगल शासक द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था। अब हम देखेंगे मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो मांझी शासन व्यवस्था संथालों ने सौरिया पहाड़िया से प्राप्त की है। अब हम देखेंगे मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है? तो ये है लाल, ठीक है, लाल जो एक प्रशासनिक अधिकारी है मांझी शासन व्यवस्था में, ये मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की सहायता नहीं करता। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से
किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, किस विषय पर? तो ये है हत्या। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा हत्या के विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये है सरदार। ठीक है, सरदार कहा जाता है। 70 से 80 गांव के प्रधान को मांझी शासन व्यवस्था में सरदार कहा जाता है। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो संथाल समुदाय में जोग मांझी, ठीक है, इसका सही जवाब है जोग मांझी। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? उसके कार्य प्राणिक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगदो प्रजा शब्द वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया गया है। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। अब देखते हैं आगे। बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? तो बिटलाहा जो कि एक दंड है और सबसे कठोर दंड है किस जनजाति का? तो यह है संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड है बिटलाहा। अब हम देखेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? तो ढोकलो जो है किस संजात, तो ये है खड़िया से। किससे? खड़िया से। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? तो ये है हमारे करटाहा। करटाहा खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार ठीक है में पूजा पाठ कराता है उसे पाहन कहते हैं। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे पाहन कहते हैं। ढोकलो सोहोर पाहन। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ढोकलो सोहोर का कार्यकाल जो होता है 3 वर्षों के लिए होता है। वहीं पर देखते हैं निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? तो खड़िया राजा का सलाहकार होता है दीवान। अब देखते हैं खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? खड़िया राजा के खजांची को कहा जाता है तीन जौकड़। अब देखेंगे उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को भूयर कहा जाता है। उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन कराता है? उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों को संपादन कराने वाला जो है वो है पाहन। वो पाहन है ठीक है। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन उरांव समुदाय में गांव का मुखिया होता है? गांव का मुखिया होता है महतो। उरांव समुदाय में गांव का मुखिया होता है महतो। किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति है? पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। याद रखना है ये है उरांव, इस समुदाय की ये प्रमुख उक्ति है। दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? तो ये है उरांव में दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन। अब हम देखेंगे हो जनजाति की शासन व्यवस्था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। अब हम देखेंगे निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? तो डायन प्रथा पाई जाती हो जनजाति में। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? मुंडा नाम से जाना जाता है। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो इसे आपको याद रखना है डाकुआ। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई? किसके द्वारा दी गई थी? तो ये था थॉमस विल्किंसन के द्वारा। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं? निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते? बैगा होते हैं, पुजार होते हैं, गुड़ाइत होते हैं, कोतवाल नहीं होते। तो ये सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? असुर जनजाति व्यवस्था में जो संदेश वाहक का कार्य करता है गुड़ाइत। किस कौन करता है? गुड़ाइत। अब हम लोग देखेंगे विविध असुर सामुदायिक परिषद का संचालक कौन होता है? तो असुर सामुदायिक परिषद का संचालक होता है
नायके, कौन नायके, बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। तो याद रखना है किस जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है, तो ये है हमारे बथुड़ी, ठीक है, जातीय संगठन के प्रमुख को बथुड़ी कहा जाता है, सॉरी बथुड़ी जनजातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं, तो अपने ग्राम प्रधान को ओहदार करने वाले कहने वाले वेदिया हैं। अच्छा, मादी एवं गाद्दी, मादी एवं गाद्दी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं, तो ये सही जवाब है बिंझिया, ठीक है। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी हैं बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी हैं बिरजिया, ठीक है। नाये किस जनजाति का मुखिया होता है, बिरहोर का, याद रखना है बिरहोर का। निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है, ग्राम प्रधान का सहायक होता है दिगवार, बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक कौन होता है, दिगवार होता है। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है, बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान होता है मुकद्दम, ठीक है, बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान होता है मुकद्दम। सयाना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक है, सयाना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक है, तो बैगा, ठीक है, ग्राम प्रधान के सहायक बैगा। अब हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन बैगा समुदाय के में संदेश वाहक का कार्य करता है, तो बैगा समुदाय में संदेश वाहक का कार्य चारीदार करता है। चुहार किस जनजाति का उपनाम था, चुहार किस जनजाति का उपनाम था, तो ये था भूमिज जनजाति का उपनाम चुहार था। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है, किस जनजाति के जिला प्रधान को, चेरो जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है, ठीक है, पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है, तो ये है चीक बड़ाइक जो जनजाति है उसका प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है पानरे। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहा जाता है, सयाना। मालिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है करमाली। मालिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है, करमाली को। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सात गवैया पंचायत बैठती है, इसका सही जवाब है करमाली, ठीक है, करमाली। किस जनजाति में, करमाली जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सात गवैया पंचायत बैठती है। कवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है, इसका सही जवाब है पटेल, ठीक है, कवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन पटेल के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव मुखिया होता है, किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव, तो खरवार जनजाति में। किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं, याद रखना है कि किस जनजाति के पंचायत को, किस जनजाति के, तो इसका सही जवाब है खरवार जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं। गौटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है, तो गौटिया जो होता है खोंड जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को मान्यता मिली थी, कोल जनजाति को झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता 2003 में मिली है, कब मिली है, 2003 में। किस जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है, बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है कोल जनजाति में, ठीक है, कोल जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है, बड़ा मुखिया कोरबा जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। गोलाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं, तो इसका सही जवाब है माल पहाड़िया। गोलाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं, माल पहाड़िया। भैयारी एवं जाति गोट किस समुदाय के जाति पंचायत है, भैयारी एवं जाति गोट परहिया जनजाति समुदाय के जाति पंचायत है। निम्न में कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान है, तो क्या मांझी है, इसका सही जवाब है महतो। निम्न में से कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान है, महतो।
तो ये रहा हमारा झारखंड के इतिहास से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मनीष रंजन सर के बुक से लिए गए हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ये 20 दिनों में पूरी की पूरी झारखंड वस्तुनिष्ठ जो बुक है मनीष रंजन जी के द्वारा जो लिखा गया है 7000 प्लस प्रश्नों का एक कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इतना करते हैं तो आपकी एक बहुत ही पुख्ता तैयारी हो जाएगी। तो आप इस तरह से तैयारी करते रहिए। 12 सितंबर याद कर लीजिए इस डेट को, ठीक है, 2021, और इसमें जेपीएससी पीटी होने जा रहा है, ठीक है, होने का 99% चांसेस है, ठीक है, 99% चांसेस है, फिर भी आप इसी डेट को मानकर चले और इसी में तैयारी करना है। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता करने में लग जाए, हम आपके साथ हैं, पूरी की पूरी बुक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।